स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं में खिले चेहरे। खबर झांसी जनपद के चिरगांव क्षेत्र से, जहां आपको पहले बता दें कि एसआरई बुलेटिन न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है कि झांसी चिरगांव आज जनपद के चिरगांव कस्बे में संचालित राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त महाविद्यालय परिसर में स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बमीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा, विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी मौठ राजकुमार सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्रबंधक वैभव गुप्ता ने की। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे की एकदम खिल उठे। इसी बीच विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी मौठ राजकुमार सिंह ने शासन के सराहनीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का ये कदम बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। इससे गरीब परिवार के बच्चे भी टेक्निकल शिक्षा लेने में सक्षम हो रहे हैं। मुख्य अतिथि बमीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा ने कहा कि भाजपा सरकार बच्चों के भविष्य के लिए अनेकों योजनाओं एवं टेक्निकल सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की प्रत्येक योजना बिना किसी भ्रष्टाचार, भेदभाव, जातिवाद के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। मंशा केवल भाषण में वादा करने की नहीं है, सरकार की मंशा आपसे अपेक्षा की, हम अगर आपके हाथ में संसाधन देंगे और हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक से आपको जोड़ने का काम करेंगे, डिवाइस आपके हाथ में देंगे, तो आप आगे बढ़कर आगे की सोच, जो सरकार की सोच। प्रबंधक साहब, गुप्ता जी, प्रिंसिपल साहब, हमारे यहाँ पर सभी सम्मानित अतिथिगण, मंच पर मंचा सिंह और पत्रकार बंधुओं और छात्रों और छात्राओं, ये जो सरकार की योजना के अंतर्गत आप लोगों को जो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जैसा कि अभी प्रबंधक जी ने बताया कि कुछ बच्चों ने डबल स्कूलों में इनरोल करा रखा है। अब चूंकि ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है कि अगर आपने कहीं डबल करा रखा है तो वो लॉक कर दिया है, उसका समाधान बाद में होगा। जिन छात्रों को नहीं मिल पाएंगे उनकी हम लोग उनको उनको मिलेगा, लेकिन उनको जाँच पड़ताल के बाद ही मिल पाएगा। कोई भी छात्र छूटेगा नहीं, सरकार की बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता की स्कीम है। इसमें सरकार की मंशा है कि आप लोग बहुत आगे बढ़ो। हम लोगों के जमाने में तो फोन ही नहीं होते थे, आज ये सरकार आप लोगों को, बहुत ऐसे गरीब बच्चे होते हैं कि वो कभी मोबाइल नहीं खरीद पाते हो, तमाम तरह की सूचनाएं जो होती है वो उनको पता ही नहीं चल पाती है। तो ये जो आपको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, इसका प्रयोग अच्छे कामों में करिएगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोगों का एक उद्देश्य होता था कि हमको ये बनना है या हमको ये करना है। हम लोगों के गार्जियन, माता पिता, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के सोचते थे कि हम लोगों को जो उनका मतलब लक्ष्य रहता था कि हमारे बेटों को ये बनना है। आपको भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और जो हमारा स्मार्टफोन दिया जा रहा है उसको आप लोग अपने उसमें प्रयोग करिए और मैं आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप भगवान करें आप बहुत अच्छे अच्छे पदों पर इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस पीसीएस बने और जो सरकार की मंशा है उसको पूरा करिए। सरकार आप लोगों को बहुत पढ़ाई के मामले में तमाम तरह की स्कीमें चला रही है, बच्चों के लिए तमाम तरह के मतलब फ्री कोचिंग आईएएस पीसीएस के लिए खोल रही है। हमारी सरकार आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा कार्य कर रही है और ये अच्छे कार्य के लिए किए जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद काम कर रही है, लेकिन जब सरकार अपना काम ईमानदारी से करे तो हमारा भी धर्म और कर्तव्य बढ़ जाता है। ये लैपटॉप, टैबलेट, इनकी कीमत अगर आपको मिलना है तो उसकी कीमत 10,000, 15,000, 20,000 होगी, लेकिन जब आप इसको गुणा करेंगे 70 लाख में, प्रदेश की आबादी 70 लाख है, तो जब आप उसको गुणा करके जब उसका जब परिणाम देखेंगे तो हजारों करोड़ में होगा। इतने धन की व्यवस्था सरकार ने आपके लिए की। आपके पिताजी से जब आप अपनी डिमांड, माता जी से जब डिमांड करते होंगे मुझे टैबलेट चाहिए, हम कहते क्या करना है, ऐसे पढ़ो बेटा, हम भी तो बिना टैबलेट के पढ़े। जब आप कहते होंगे हमें स्मार्टफोन चाहिए, बोले नहीं बेटा स्मार्टफोन अच्छी बात नहीं है,
इससे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए मतलब वो अपनी परेशानी को किसी ना किसी बहाने से टाल देते होंगे कि बच्चा बिना टैबलेट के भी पढ़ सकता है, बिना स्मार्टफोन के भी आगे बढ़ सकता है। जरूरत क्या है इससे, इस खर्चे को बचाया जाए। यानी 10,000 रुपये और 15,000 और 20,000 के लिए जिन्होंने आपको पैदा किया है और जिनको आपके आगे बढ़ने से लाभ होने वाला है, आपकी तरक्की से उनको मान सम्मान मिलने वाला है, ऐसे लोगों ने, ऐसे परिवार के हमारे प्रमुख लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस खर्चे से बचाने का प्रयास किया। उस जगह का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, दुनिया का, चाहे जर्मनी का हो, चाहे फ्रांस का हो, जिसने हिंदुस्तान का झंडा थामा वो बच के अपने घर पहुंच गया, अपने माँ बाप के पास पहुंच गया, और जिसने हिंदुस्तान का झंडा नहीं थामा आज भी वही भटक रहा है। ये है आपके देश की सामर्थ्य। 2014 से लेके और 2022 में हिंदुस्तान में तो हमने तरक्की करी है, लेकिन जब तरक्की हम करते हैं तो दुनिया में कितना सम्मान बढ़ता है। जब आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो गांव में आपका तो सम्मान बढ़ता ही है, आपके माँ बाप का भी सम्मान बढ़ता है, आपके रिश्तेदारों का भी सम्मान बढ़ता है। ये मेरा केवल एग्जाम्पल है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा तो सम्मान बढ़ता ही है, हमारे समाज का, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है। उस मान सम्मान को आज हमने अपनी आंखों से देखा है कि जिस आदमी ने हिंदुस्तान का अपना झंडा थाम लिया तो किसी भी देश का हो वो अपने घर पहुंच गया। और जिसने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय राजी सिंह पारीक्षा जी, श्री राजकुमार जी, उप जिलाधिकारी मोड गोविंद भाई साहब जी, प्रमोद भाई साहब जी, समाधिया जी यहाँ उपस्थित हैं, और संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र भटनागर जी, मीडिया के हमारे सारे साथीगण, छात्र छात्रा, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश शासन को, उन्होंने जिस पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया है उसी के अनुक्रम में आज पहला कंसाइनमेंट आप लोगों को स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूट किया था। टैबलेट पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को दिया जा चुका है, इसकी ज्यादा नहीं दूंगा, कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको शेयर करनी है। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये है कि उनके नाम नहीं आए हैं, उनको नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को खुशी होगी कि पूरे झांसी मंडल में शासन द्वारा 1738 टैबलेट हमारे ही संस्थान को आवंटित। दो समस्याएं हैं, सारे स्टूडेंट्स के एक साथ नाम नहीं आए, जैसे बीए के कुछ बच्चे बैठे होंगे, आज बीए के कुछ स्टूडेंट्स के आ गए अल्फाबेटिकली आ गए, बीएड के कुछ स्टूडेंट्स के आ गए हैं, कुछ के नहीं आए। इनके दो कारण हैं, जैसे इन्होंने पहला कंसाइनमेंट आज शासन द्वारा हमें 200 स्मार्टफोन का दिया गया, 200 का कंसाइनमेंट का हमारे पास रिसीविंग भी आ गई है, 3 या 4 दिन में वो भी आ जाएगा हमारे पास। जिस पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश शासन ने आप लोगों को टैबलेट के स्मार्टफोन देने का कार्य किया है, हो सकता कुछ स्टूडेंट्स यहाँ ना हो लेकिन आप लोगों के पेरेंट्स होंगे, आप उन्हें बता, उसके लिए रजिस्ट्रार साहब से बात हो चुकी है, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी से बात हो चुकी है, SDM साहब यहाँ हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि प्रशासन लेवल पर जो भी डेटा में गलती हुई है उसके लिए हम फॉरवर्ड करेंगे। और इसके अलावा विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि अगर शासन स्तर पर भी कोई कमी होगी तो उसे पूर्ण कराएंगे, इसके लिए विधायक जी का भी हम सुनेंगे। दूसरी समस्या एक और है, कुछ स्टूडेंट्स ने और दूसरे कोर्स में भी पढ़ रहे हैं, तो अब वो समय नहीं रहा कि आपने किसी भी योजना का, शासन की किसी भी योजना का लाभ दो जगह से ले लिया। जो भी स्टूडेंट है, अगर हमारे डिग्री कॉलेज में है तो यहाँ से वो एलिजिबल है, वहां से पात्र है। अब उसी स्टूडेंट ने सपोज कि किसी और जगह से ITI कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, सेम ईयर में है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम खत्म हो चुका है, शासन की मंशा साफ सुथरी है। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डबल डबल जगह से अप्लाई कर रखा है, उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं कि वो एक जगह से अपना नाम विड्रॉ करें, क्योंकि इसमें न केवल महाविद्यालय की स्टूडेंट की, संघ शासन की भी कहीं ना कहीं बदनामी। सर, आपके विद्यालय में आज क्या कार्यक्रम था? आज उत्तर प्रदेश सरकार के स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता
चिरगांव झांसी विधायक राजीव सिंह बालीशा ने की जी। एसडीएम महोदय विशिष्ट अतिथि के तौर पर महाविद्यालय में उपस्थित थी, उनकी देख रेख में स्मार्टफोन का वितरण किए गए बी ए फाइनल और बी ए फाइनल के बच्चों। कितने बच्चों को किया गया लगभग? टैबलेट तो स्मार्टफोन तो 200 थे जी, कुछ बच्चे एबसेंट है जी, करीब लगभग 150 के आसपास बच्चों को स्मार्टफोन दिए। और जो बच्चे एबसेंट है उन बच्चों को कैसे प्राप्त होगा? वो आएंगे कल तो अपने उनकी वेरिफिकेशन के बाद उन्हें भी दे दिया जाएगा। सर अभी कितने और बच्चों को वितरण होना है? इसके बाद जो अल्फाबेटिकली इनने भेजे ए से लेके सी या डी तक के स्मार्टफोन आए, इसके बाद नेक्स्ट खेप जो आएगी उसमें फिर से वो 200 का स्लॉट दे रहेगा। सर आपको स्मार्टफोन वितरित करने में कैसा लगा, बच्चों क्या सर्विस बना है? अच्छा है तो तरीका, तो हम तो भुक्तभोगी है कोरोना पीरियड में महाविद्यालय और विद्यालय सभी बंद रहे, उसमें लगभग हमारे समझ से 50% के एवो बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड बेचारे नहीं कर पाए, क्योंकि परिस्थिति ग्रामीण परिवेश में ऐसी है कि हर आदमी के पास स्मार्टफोन नहीं है। आज अगर मैं स्मार्टफोन बटे हैं तो आगे अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है उसकी उनकी पढ़ाई कंटिन्यूस जारी रहेगी। साथ में जो शैक्षणिक परिवेश में आज के समय में ऑनलाइन आवश्यक हो गया, कंपटीशन की जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे देते हैं, उनके लिए सब चीज़ों के लिए आवश्यक है। सर भारत सरकार ने जो एक कदम उठाया है जो छात्रों के लिए, क्या कुछ सरकार से आप? अच्छा सराहनीय कदम है बच्चों को इस तरीके की मदद मिलना, काफ़ी सराहनीय काम। थैंक यू सर।